ये दिल की लगी। अरसल, आज आप फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले आए। आप मेरी आदतें खराब करें। क्या करूंगी मैं इतने कपड़ों का? भाई मुझे अच्छा लगता है तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलना। अब तो मेरी अलमारी में ना कपड़ों की जगह भी नहीं। दिल में तो जगह है ना, और वैसे भी लड़कियां अलमारी में जगह देके कौन सा शॉपिंग करती हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आज पहले आपके लिए शॉपिंग करते हैं और फिर मेरे लिए, वो भी मेरी पसंद से। गुड आइडिया, चलो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं, वो मेरा कर ये सब आपकी फैमिली अपनी चॉइस से करे। मेरा मतलब है कि उन्हें बुरा ना लग रहा हो कि मैं आपके साथ अपनी पसंद से। वाह, अम्मी ने खुद मुझे कहा है कि मैं तुम्हें ले आऊं। उन्हें मार्केट्स में जाना अच्छा नहीं लगता, और आप ही वो अपने घर में मसरूफ थी। अब तो मजबूरी है, अपनी शॉपिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको अच्छा लगे या बुरा? बुरा नहीं लग रहा। बुरा क्यों लगेगा? मैं तो सोच रही थी कि खैर छोड़ें, वहां चलें। ओके, श्योर। हेलो जी, अपनी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरा ख्याल है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं फोन पे बात कर चाहता हूँ। जी अम्मी, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी अंदर। जी जी जी, बोले अब उमेर। अरे बेटा, जो मैं कह रही हूँ वो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अम्मी, क्या कहा आपने? ज्यादा फजूल खर्ची मत करो। ये कपड़े ना बाद में बक्सों में पड़े सड़ते रहते हैं, कोई नहीं पहनता इन्हें। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढू कहा नहीं कोई निशान। इश्क का रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, इसका पता यार की गली। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क का रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। आप कहाँ जा रहे थे? वो मैं... अम्मी से बात हो गई आपकी? हाँ, हो गई बात। क्या कह रही थी वो? मेरे बारे में कुछ तो नहीं कह रही थी? I mean, वो... नहीं, खाने का पूछ रही थी कि घर खाना खाना है या नहीं खाना। ओह, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, कहीं और चले? हाँ, श्योर, आ जा। ये लड़का ना मजाल है जो कभी मेरी एक बात भी सुन ले। पता नहीं जैसे कोई हूर परी मिली है उसको जो पुराने कपड़े नहीं पहन सकती। असल बात पता है क्या है अम्मी? उन्हें कुर्बानी का बकरा मिल गया है जिसको वो लूटते चले जा रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुमने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं? नहीं पसंद आता क्या कुछ? ले लूंगी। Wait. Let me do this. ऐसे क्या देख रही हो? एक बात बताएं, शॉप में तो अच्छी कलेक्शन थी नहीं। आपको वो शर्ट अच्छी नहीं लगी ना? आपने सिर्फ इसलिए ली कि मुझे अच्छी लगी? नहीं, बहुत अच्छी है शर्ट। I like it. और अगर मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए ली भी है तो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी पसंद के कपड़े पहनते हो, मेरी पसंद के कलर्स चुनती हो, और इसी को ही प्यार और परवाह कहते हैं मैडम। मियां बीवी के दरमियान होती है, कॉमन है। चल के इस रातिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया, तेरी लागी लगन तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। वाह आपी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई हैं आप। वैसे उमेर भाई तो बहुत दिल वाले हैं, आपको शॉपिंग पे भी लेकर गए और आपके पसंद के सारे कपड़े लेकर आए हैं। ऐसे सोचने की बात है उनकी बहन का क्या रिएक्शन होगा। क्या हो गया शानजे, ऐसे क्यों सोच रही हो? भाई उसकी माँ और बहन की इजाजत होगी तभी तो मैं लेकर गया होगा ना, और उन्होंने कहा होगा जाओ जाके फरवा को शॉपिंग करवा के लाओ, है ना फरवा? हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि तुमने उमेर को शॉपिंग करवाई ना? जी मैंने उनको कहा था कि उनकी जो पसंद है वो ले लें, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दी। मैंने इंसिस्ट भी किया था कि हमारी तरफ से, बट वो माने नहीं। अच्छा चलो खैर है। अच्छा वो मैंने बुशरा बाजी से कहा है कि इस महीने की कमेटी वो हमें दे दें, उससे मैं तुम्हारी बारात का खाना और दूसरे काम कर लूँगी। अम्मी बस करें ना, आप पहले ही सारी सेविंग्स खर्च कर चुकी हैं, बिना वजह का जहेज इकट्ठा कर लिया है। हालांकि वो तुम्हारी सेविंग है, तुम्हारी अमानत ही मेरे पास, और मैंने कोई फजूल चीज नहीं खरीदी है। जब कल को अपनी माशाल्लाह घर गृहस्थी संभालोगी ना फिर देखोगे तुम। अम्मी अगर कुछ मेरे काम आएगा ना तो आपकी दुआएं। जीती रहो। क्या हुआ फरवा? कुछ नहीं अम्मी। तो फिर क्या सोच रही हो? यही कि मैं उमेर की जिंदगी में अपनी जगह बना पाऊंगी। उन्होंने आज मुझसे कहा कि वो उर्वा को नहीं भूले, लेकिन भूलना चाहते हैं। उन्होंने मेरी मदद भी मांगी, मैं हामी तो भर चुकी हूँ। बस यही सोचती हूँ कि मेरे लिए सब आसान होगा, जितनी आसानी से मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, एक जीते जागते इंसान को रिप्लेस करना। फरवाद सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहां नहीं कोई निशान, इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो। जख्म ये भर ना पाए। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। मैं अपनी माजी से निकलना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर अपने माजी को भूल सकता हूँ, उन तकलीफ दे यादों को भुला सकता हूँ। वरना मैं यूं भटकता रहूँगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। पता नहीं शादी कब है इसकी, मुझे क्या। जब भी हो, मेरा क्या ताल्लुक है इस बात से। क्यों सोच रहे हो मैं उसके बारे में इतना ज्यादा? मेरे लिए यही काफी है कि इसने मेरी जान छोड़ दी। अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। चल ध्यान से आओ बेटा, आ जाओ मेरे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलती हूँ। अरे कमरे में क्यों? रस्में वगैरह तो कर लो। इसके घर वालों ने काफी रस्में करनी है, बाकी हम सब कल कर लेंगे। चले? हाँ हाँ ठीक कह रही है अंबर, जाओ ले जाओ कमरे में जाओ। साले साहब लगता है आपको बहुत जल्दी है भाई। अरे नहीं फरहान भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मैं इंशाल्लाह कल चक्कर लगाऊंगा। ठीक है बेटा, आना जरूर। बहुत बहुत मुबारक, ऑल द बेस्ट। अल्लाह अल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा है। मैं 1 मिनट आती हूँ। ये तुम्हारे लिए। आप मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रही हैं? कुछ लिखा है मेरे चेहरे पे? मैं ये देख के हंस रही हूँ कि कल तक तुम मेरे भाई के साथ कितनी आवारागर्दी कर रही थी, होटलिंग कर रही थी, पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, और अब देखो ऐसे मासूम बेचारी शर्मा रही हो। बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक। मेरे भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की है और पहली बार मेरी बात को रद्द किया। अब देखो तुम्हारी जिंदगी मैं किस तरह बर्बाद करती हूँ। जैसे रूठे खुदा उसे ढूंढू कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। उमर बेटा ये तो लेके जाओ, भूल गए क्या दुल्हन को मुंह दिखाई नहीं देने? क्या हुआ अभी? आप रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अंबर क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? आज खुशी का दिन है ना। हमेशा से तो हम चाहते थे कि हम इसके सर पे सेहरा देखें, आज वो देख रहे हैं। तुम कुछ भी कहो ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे आपकी। आई एम सो सॉरी, मैं उस वक्त गुस्से में था। अरे वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ, छोड़ो। आज खुशी का दिन है, तुम्हारी शादी का दिन है। मैंने तो आज परवा से भी कहा था कि सारी बातें भूल जाओ, अपने दिल में मेरे लिए कोई बुराई ना रखना, सलामी भी देनी चाहिए उसको, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दी। क्या? सलामी लेने से मना कर दिया? जी, कह रही थी कि वो कभी नहीं भूलेगी जो भी मैंने उसको कहा। लेकिन ये सब फरवा ने कहा आपको? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अभी पूछता हूँ उससे जाके। नहीं उमेर नहीं, अभी रहने दो, अभी कुछ नहीं कहना उसको प्लीज। लेकिन आप ही ऐसे कैसे ये... अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो ना तो तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। पहले ही मेरे दिल पे बहुत बोझ है, तुमने उर्वा को भी मेरी वजह से... बस तुम्हें अम्मी की कसम, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे। जाओ बस चुपचाप अपने कमरे में जाओ, हम कल देखेंगे। ऐसे कैसे आप ही? अम्मी इसको बोले, ये उसको कुछ नहीं कहेगा। इतना जो बहन कह रही है सुन लो, जाओ कमरे में। चलो जाओ, कुछ कहना नहीं उसको, जाओ मेरा बच्चा जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी तेज निकलेगी, घर में कदम रखते ही ऐसा सुलूक करेगी। उर्वा थोड़ी है अम्मी, मुझे तो बहुत दुख होता है। काश उमेर जल्दबाजी ना करता और वो रिश्ता चल जाता। सारी दुनिया की तैयारी एक तरफ और खवातीन का बनाओ सिंगार एक तरफ। मैडम देर हो रही है, अब चलें? तो आप बता क्यों नहीं देते हम कहाँ जा रहे हैं? बता दूंगा, अभी चलो। तो इतना सस्पेंस किस बात का? आप बता देना हम कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट मैं उस तरह के कपड़े तो पहनूं। इतनी अजीब इरिटेशन हो रही है मुझे तो। एक छोटी सी फरमाइश की थी बस आपसे कि अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। अच्छा खासा बड़ा मसला बना लिया आपने इसको। बहुत प्यारी लग रही हैं, बस चले। नहीं मुझे लग रहा है मैं बहुत ओवरड्रेस्ड हूं, मैं चेंज करके। नहीं 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 नहीं, बात तो सुनो। बहुत प्यारी लग रही हो तुम और चेंज करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए चलो। सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी तेज निकलेगी, घर में कदम रखते ही ऐसा सुलूक करेगी। इसका पता यार की गली। मेरा तो खून खौल रहा है, सोच के इतना गुस्सा आ रहा है। कितना कीना है इस लड़की के दिल में, हद हो गई भाई। और उस दिन माँ बेटियां उमेर के सामने कैसे ड्रामे कर रही थी। ड्रामे करके तो उसको शीशे में उतारा है, मैं बीच से क्या गई, आपने उसको टोका ही नहीं। क्या जरूरत थी फरवा को इतना महंगा जोड़ा दिलवाने की? अरे मैंने तो उसको बहुत रोका, मेरी कहाँ सुनता है वो। अब देखो ना कितना महंगा तोहफा लेकर आया है, देखो फरवा के लिए। देखो ये, हाँ बहन को तो नेक भी नहीं दी उसने। छोड़ो ना, तुम रख लो, ये लो रख लो, अपना दिल क्यों खराब कर रही हो। लेकिन लाया तो फरवा के लिए है ना। अरे छोड़ो, कौन सा फरवा का नाम लिखा है इस पे, लाया तो लाया, तुम रखो। उसका नाम तो क्या, नामो निशान मिटा कर रहूंगी मैं। उमेर उर्वा को भूल जाए, मैं तो अब उसको रोज उर्वा याद दिलाऊंगी। उमेर के दिलो दिमाग से उर्वा का नक्श हटेगा ही नहीं, फिर ये फरवा कहाँ फिट होगी इसमें। सोचती होगी कि उमेर ऊपर आके उसके महंगे जोड़े में उसकी तारीफ़ों के पुल बांधेगा, उसके हुस्न की तारीफ़ें करेगा। अब पता चलेगा उसे, जब उमेर उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा आज। इतनी तैयारी के बाद यही लेके आना था आपने मुझे डिनर पे। मैं समझी हम पता नहीं किस स्पेशल जगह जा रहे हैं। कितनी कोई अनरोमांटिक मखलूक हो तुम। हैरत है, आज का दिन भी तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। आखिर ऐसा क्या स्पेशल है आज, मुझे भी बता दे। उर्वा, it's your birthday। मेरी बर्थडे कल, आज नहीं। डियर उर्वा मैडम, आई नो आपका बर्थडे कल है, लेकिन मैं आपके साथ ये डिनर आज करना चाहता हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि कल तो घर पे पार्टी होगी ना, और सब मेहमान आ जाएंगे, फिर आप घर के कामों में बिजी होंगी और मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देंगी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। अरे भूल ही गया, दिस इज फॉर यू। इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। उर्वा थोड़ी अम्मी, मुझे तो बहुत दुख होता है। काश उमेर जल्दबाजी ना करता और वो रिश्ता चल जाता। तुम भी तो मेरी पसंद हो ना, याद है या भूल गई? याद। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? खोल कर देखो। बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू। तो कैसे रात हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। दवा दो, लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए ये दिल। उमेर, मैं उमेर, क्या मैं आपकी खामोशी की वजह जान सकती हूँ? क्यों आप मुझे कल से इग्नोर कर रहे हैं? मेरा कसूर इसका अंदाजा तुम्हें खुद होना चाहिए। नहीं हो रहा है मुझे अंदाजा, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। फरवा, जब मैं तुम्हें मिला ना तो मुझे ऐसा लगा कि तुम एक बहुत सेंसिबल और मैच्योर लड़की हो, मुझे मेरी साथी परेशानियों से, उलझनों से निकाल सकती हो, लेकिन तुमने आते ही आप ही से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैंने? मुझे तो तुमने यही कहा था ना कि तुम सब कुछ भुला चुकी हो, तो फिर आप ही के साथ ये सलूक क्यों? तुम्हें पता है तुमने जो मुंह दिखाई वापस दिए उसका आप ही को कितना दुख हुआ? मुंह दिखाई वापस करने पर यह सब आपको आपके आप ही ने बताया? हाँ, मुझे उन्होंने रात में बताया था। अच्छा, तो कल वो मुझे मुंह दिखाई दे रही थी। मेरे भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की है और पहली बार मेरी बात को रद्द किया। अब देखो तुम्हारी जिंदगी में किस तरह बर्बाद करती हूँ। फरवा, इतना रूड बिहेवियर और वो भी शादी के पहले दिन। उमेर, मैं माफी मांगूंगी। रहने दो प्लीज। नहीं उमेर, अगर मैंने उनका दिल दुखाया तो माफी मांगनी जरूरी है। देखो फरवा, आप ही ने मुझे मना किया था कि इस बारे में मैं तुमसे कोई बात ना करूं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पहले दिन पहली रात हमारी लड़ाई। आप उसकी टेंशन नहीं लें, वो मेरा और आपका मसला है। वैसे अच्छा हुआ कि आपने मुझसे शिकवा कर लिया, वरना मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। इसका मतलब कि वो कामयाब हो गई अपनी चाल में। करती रहो ना, अच्छा लग रहा है। आप जाग रहे थे, मुझे तो लगा सो रहे हैं। जितना प्यार तुम मुझे सोते हुए करती हो इतना जागते हुए भी कर लिया करो ना। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत हमेशा इसी तरह। अच्छा चले, उठ जाए आप, बहुत देर हो रही है। अंबर, आप ही, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी फितरत, मेरा मतलब आपकी नेचर इतनी सेंसिटिव हो गई। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। उमैर, आप ही प्लीज, अब फरवा सॉरी कह तो रही है आपको, शिकवे शिकायत भूल जाएं प्लीज। अरे शिकवे शिकायतें कैसी उमैर, मेरे दिल में तो कोई बात ही नहीं थी, समझो मैं भूल गई। आप कितनी अजीम है, बहुत बड़ा दिल है आपका। करना पड़ता है दिल बड़ा अपने प्यारे रिश्तों के लिए, और उमैर के लिए तो मैं साथ खुद माफ कर सकती हूँ, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे। मुझे अंदाजा हो चुका है बहुत अच्छी तरह। आप ही वो, मैंने जो आपको अपने मुंह दिखाई लौटाई थी वो आप प्लीज वापस कर दो। हाँ हाँ मैं लेके आती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने, आप ही को सॉरी बोल दिया। इस लड़की के बारे में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत नहीं था, ये तो बल्कि मेरी सोच से ज़्यादा चालाक और होशियार निकली। मेरा वार मुझ पे ही पलट कर कर रही है। उमैर ना होता ना तो उसे अच्छी तरह बताती मैं। अरे मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारी सालगिरह। हैप्पी बर्थडे टू यू और जीती रहो। थैंक यू आंटी। माशाल्लाह, जीती रहो और हमेशा खुश रहो। आमीन। थैंक यू अंकल। भाई तुम हमें आंटी अंकल मत कहा करो, हम क्या तुम्हें सासू ससुर की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं, समझ आई? अच्छा भाई वो गिफ्ट कहाँ है? हाँ हाँ गिफ्ट है, शाम में पार्टी में मिलेगा भाई। ओके ओके, चले मैं आप लोगों के लिए चाय बनवाती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके जीती रहो। मेरे मुँह दिखाए, शुक्रिया। वैसे तो ये मुंह देख के तुम समझ ही रही होगी कि मेरा क्या दिल चाह रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग। वैसे वंस अगेन थैंक यू। ये आपका मोबाइल, आपको याद है ना आज शाम को उर्वा के घर जाना है? हाँ भाई बिल्कुल याद है, इसमें भूलने वाली कौन सी बात। अच्छा आपसे एक मशवरा चाहिए, आप मुझे बताएं कि हम उर्वा के घर क्या लेके जाएं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से उर्वा से पूछ लो, उसको क्या पसंद है वही ले जाते। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास, उसे हमसे क्या चाहिए होगा। हाँ ये तो है। हाँ ऐसा करो अलीना से पूछो, अलीना जानती है अपनी बहन की पसंद नापसंद को, वो सही बताएगी। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी, माशाल्लाह। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें देखने की खुशी हो रही है मुझे। देख लिया आपने अपनी बेटी को कितनी खुश है, तसल्ली हो गई आपको। और देखें हमने कोई ज्यादती नहीं की इसके साथ, और ना ही कोई जुर्म ढाया। अरे भाई बेटी से मिल रही हो तो हमसे भी सलाम दुआ कर लो, इतनी खुश हो तुम तो बेटी को देख के। मैं माजरत चाहती हूँ, बस परवा को देखने में लग गई थी। हाँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक। आप लोग बैठे, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ ये है भाई। अरे आपी आप क्या कर रही हैं? मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। नहीं बहन, तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, पहला दिन है तुम्हारा, तुम कहाँ करोगी? जाओ जाके अपने घर वालों के साथ बैठो, मैं देख लूंगी। जिंदगी।